ये वो नियम है जिस नियम से लाल किताब चलती है, और यही वो नियम है जिस नियम से आप किसी भी कुंडली को देख सकते हैं और उसको ग्रह की हैसियत को निकाल सकते हैं। अब देखिए लाल किताब यहाँ से क्या कहती है। लाल किताब कहती है अगर खाना नंबर 9 में इसमें सूर्य या चंद्र बैठा हो, सूर्य या चंद्र इन दोनों में कोई भी ग्रह बैठा हो, और खाना नंबर 5 में पापी बैठे हो, और यहाँ पे अगर पापी शनि राहु केतु बैठे हो, लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य या चंद्र में कोई ग्रह बैठा हो तो औलाद पर कोई बुरा असर ना होगा, ना ही जिंदगी को तल करने वाली कोई मंदी बिजली की खौफ होगा। मतलब अगर यहाँ पे सूर्य चंद्र बैठ गया तो जो आपको बताया था पापी मित्र और बिजली, उसको यहाँ सूर्य और चंद्र बैठ करके उसको रोक देगा, वो अकेले ही इन दो ग्रहों में बैठने से उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। खाना नंबर 9 के लिए सूर्य और चंद्र अगर बैठे हैं तो अगर वर्ष फल में भी आ गए, आपने बड़ा बंदा वर्ष फल देख लिया उसके बावजूद अगर यहाँ सूर्य चंद्र बैठा है तो वो कहता है कि औलाद पे कोई बुरा असर ना होगा, ना ही कोई मंदी बिजली की चमक जीवन पे असर डाल सकती है। अब लाल किताब ने खाना नंबर 9 को कहा है पहाड़ों का लंबा चौड़ा समुद्र कहा है, और 2 को कहा गया पहाड़ों का लंबा चौड़ा सिलसिला। अब लाल किताब ये कहती है अगर समुद्र से किस्मत के बादल अगर चल पड़े और नंबर 2 के पहाड़ से टकरा जाए तो किस्मत पर सोने की वर्षा हो जाती है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब 9 में भी ग्रह हो और 2 में भी ग्रह हो। अगर मान लीजिए 9 में ग्रह है और 2 में ग्रह नहीं है तो ये बादल लद के चल भी जाए, आपकी किस्मत आपके पास आना भी चाहे, पर वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि खाना नंबर 2 का ग्रह नहीं है, खाली है। इसको जगाने का तरीका वो अलग विधि से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, पर अगर किस्मत का सपोर्ट लेना है तो 9 में भी ग्रह होना चाहिए और 2 में भी ग्रह होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों को की धन दौलत का फायदा कब मिलता है, जो 2 में बैठा हुआ ग्रह होता है उसकी उम्र है। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में हर ग्रह की उम्र बताई है, तो 2 में कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लीजिए बुध बैठा है तो बुध की उम्र है 34 साल, तो 34वें साल जो है पिता पे मंदा तो माना जाता है, पर 34वें साल उसको जो है अपने बुजुर्गों की संपत्ति का लाभ मिलता होगा। ये 9 और 2 का कॉन्सेप्ट है लाल किताब में। अब लाल किताब ये कहती है मान लीजिए 2 में ग्रह हो और 9 खाली हो, तो लाल किताब ने कहा है पहाड़ तो होगा पर बिना वनस्पति के। पहाड़ होगा बिना वनस्पति का मतलब ये होगा दिखने को तो बहुत धन होगा पर उसकी पास असल धन जिसे कहते हैं जो जो हमारे इस्तेमाल में आता है, आमदन बहुत होगी क्योंकि पहाड़ होगा पर वनस्पति नहीं होगी, तो उसकी आमदन वगैरह तो बहुत होगी और पैसे का लेन देन भी बहुत होगा, पर उसके पास इकट्ठा धन वो कुछ नहीं होगा। जब भी उसने अपना धन देखना चाहेगा तो जले हुए पहाड़ों का नजारा, मतलब जो है उसके पास अपना कुछ भी नहीं निकलेगा, या उसने जो कुछ बनाया होगा वो दूसरे खा पी गए होंगे, उसके पास अपना जब वो अपने लिए कुछ करना चाहेगा तो उसके पास धन नहीं होगा। ये लाल किताब का ये 3, 5, 9, 11 का था। अब इसके बाद मैं आपको अगले स्लाइड में चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल किताब खाना नंबर 4, 10 और 2 मतलब किस्मत का मैदान खाना नंबर 10 और आराम खाना नंबर 4 और धन दौलत खाना नंबर 2, इन 3 की बात करेगी। ये तीनों खाने आपस में जुड़े हुए होते हैं हर ग्रह के। अगर आपको किस्मत का मैदान दे, अभी आपने किस्मत का असर देखा था, देखा इससे पहले वो खाना नंबर 9 से खाना नंबर 2 की बात हो रही थी, किस्मत का असर। अगर 9 में ग्रह है और 2 में ग्रह है तो बारिश हो जाएगी, किस्मत साथ देगी। अब किस्मत का मैदान, किस्मत का मैदान मतलब रिजक का मैदान जिसको लाल किताब कहती है, कमाई का मैदान, धन दौलत कमाने का तरीका, वो उसकी हालत जो है खाना नंबर 10 का ग्रह बता देगा। मतलब खाना नंबर 10 में बैठा हुआ ग्रह बताएगा आपको कि आप उसकी कंडीशन ये बताएगी कि आप कितना कमा सकते हैं, और उसकी मिट्टी मतलब कमाई आपकी कैसी होगी। खाना नंबर 10 का ग्रह होगा, उसकी मिट्टी खाना नंबर 2 का ग्रह बता देगा। अगर मान ली यहाँ पे 2 में कोई अच्छा ग्रह बैठा है जो इसका अच्छा ग्रह होता है, तो कमाई उसकी नेक होगी, ईमानदारी वाली होगी। यहाँ पे एक मंदा ग्रह राहु वगैरह बैठे हैं, खराब ग्रह बैठे हैं, तो उसकी कमाई चोरी चकारी से होगी। इंसान चोर है, ईमानदार है, साहूकार है, न्यायाधीश है, चरित्रवान है, ना चरित्रवान है, ये सब हमेशा कैसे निकलता है, जुड़ करके, एक दूसरे ग्रह से जुड़ करके। अब यहाँ पे हम सिर्फ कमाई की बात कर रहे हैं, तो कमाई खाना नंबर 10 का ग्रह बताएगा किस्मत का मैदान कितना लंबा चौड़ा होगा, और उसकी कमाई कैसी होगी वो खाना नंबर 2 का ग्रह बताएगा कि ईमानदारी वाली कमाई होगी या कैसी कमाई होगी। और उस कमाई से उसके चश्मों का हाल, मतलब जो उसके सुख सुविधा आराम और उसकी जो पैसे होंगे उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो खाना नंबर 4 का ग्रह बता देगा। जब भी आप इन तीनों के एनालाइज करे बगैर खाना आप किस्मत का हाल बताएंगे या कमाई का हाल बताएंगे तो वो कमाई का हाल सही सही नहीं निकल सकता है।
यही इसमें लाल किताब ने बताया है। अब लाल किताब यहाँ पे खाना नंबर 8 को ले आती है। अब यहाँ पे लाल किताब ने एक खाने को और उतार दिया। लाल किताब हर बार आप देखेंगे तो खाना नंबर 8 को जरूर उतारती है, क्योंकि यही वो घर है जो मंदाग्रह है। यहाँ पे बैठा ग्रह चाहे वर्ष फल हो चाहे जन्म कुंडली हो, ये मंदा माना जाएगा। अगर वर्ष फल में आपको खाना नंबर अपनी किस्मत का हाल देखना हो तो किस्मत का हाल खाना नंबर 10 का ग्रह बताएगा। कैसी कमाई होगी वो जो है, आप कैसी कमाई करेंगे वो खाना नंबर 2 का ग्रह बताएगा, और उससे क्या बचा पाएंगे वो खाना नंबर 4 का ग्रह बता पाएगा। ये तीनों जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो भी आपने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर सुना होगा, खाना नंबर 9 के समुद्र से और 10 के मैदान से बारिश से लदी हुई हवाएं चल गई तो खाना नंबर 2 पे बारिश कर देंगी और खाना नंबर 4 में फल पैदा करेंगी। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो घुमा फिरा के बताते हैं, पर अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से समझ लिया तो आपको किसी और एस्ट्रोलॉजर की फिर दोबारा जब भी वो कोई बात करेगा या आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे कोई भी बात करेगा तो आपको समझ में आएगा ये कौन कौन से खानों को जोड़ के बात कर रहा है। क्योंकि बात जो है लाल किताब में जोड़े बगैर तो होती ही नहीं। अब लाल किताब में यहाँ पे खाना नंबर 8 को उतारा। अगर खाना नंबर 8 मंदा हो तो, अब यहाँ पे खाना नंबर 8 की बात आ गई है, अगर ये खाना मंदा है तो खाना नंबर 10 की आलीशान इमारत का बिस्तरा तक जला होगा। क्यों बिस्तरा जला होगा? खाना नंबर 8 से मंदा असर खाना नंबर 2 में जाता है, और 10 की इमारत का जो आराम होता है बिस्तरा वो 2 और 12 में जाता है। अगर 8 यहाँ मंदा होगा तो 10, 8 मंदा होने से ही 10 की इमारत मतलब जो है आप जो रिजक के मैदान से कमाएंगे वो उसकी जो कमाई आपको मिलेगी वो चाहे जैसी कमाई हो उसका बिस्तरा तक जला हुआ होगा। मतलब उस पैसे का आपको आराम नहीं मिलेगा। बिस्तरा जला होने का मतलब होता है बिस्तर पे लोग आराम करते हैं, और मातम का जमाना होगा और बिन बुलाए तंग कर रहा होगा। मातम का जमाना मतलब ये होगा कि इंसान करेगा कुछ, करेगा खुशी के लिए कमाई के लिए, पर उसका नुकसान होगा। बिन बुलाए तंग करना मतलब आदमी गया था भला करने पर उसका बुरा हो जाना, कमाने गया तो उसका नुकसान हो जाना, उसके किए हुए फैसले अपने आप गलत हो जाना, या जो काम वो करने जा रहा था वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाना। तो इसे बोलते हैं मातम का जमाना, और बिन बुलाए तंग कर रहा होगा। अब इसमें लाल किताब कहती है बेशक मौत का कोई सदमा या नुकसान ना हुआ हो, लेकिन अगर खाना नंबर 2 उमदा हो तो, अब खाना नंबर 2 उमदा हो इसकी बात चल रही है, यहाँ पे 8 को मैंने बता दिया, खाना नंबर 2, अगर खाना नंबर 2 उमदा हो तो इंसान चाहे कितना भी गरीब पैदा हुआ हो पर उसको उसका समर्थन करने के लिए किस्मत अपने आप अंधेरे में चिराग की तरह जल पड़ेगी, और उसकी किस्मत उसको रास्ता दिखाती चली जाएगी, और इंसान एक दिन कामयाब सफल और पैसे वाला इंसान हो जाएगा अगर खाना नंबर 2 उमदा है तो। यहीं से लाल किताब के उपाय निकलते हैं। अभी तक मैंने किसी भी उपाय का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं आपको सिंगल खाना नंबर 8 के ग्रह का उपाय बता दूं, आपने ना 2 को देखा, ना 11 को देखा, ना 9 को देखा, ना 10 को देखा, आप खाली उपाय कर देंगे। आप इस तरह के अगर उपाय करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो इसीलिए लाल किताब को समझे बगैर उपाय बताना बड़ा आसान है। लाल किताब के पन्नों के उपाय उपाय भरे पड़े हैं। मैं दिन भर में 20 वीडियो उपाय के बना सकता हूँ। चमत्कारी 100 उपाय की किताब 50-60 रुपए खरीद के दिन भर उपाय करता रहा, तो यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन लोग यूट्यूब पे इसलिए आते हैं ताकि उनको कुछ ज्ञान का वृद्धि हो और वो अपनी जिंदगी में सही निष्कर्ष निकाल सके, सही फैसले ले सके, किससे सतर्क रहना है, कौन सा काम करना है, इस साल कमाई का हाल कैसा रहेगा, कमाई कितनी होगी, भाग्य कितना साथ देगा, ये सब इन खानों के जुड़े हुए फल हैं। हमको इन 12 घरों से ही सब कुछ निकालना है, और 9 ग्रहों से और 12 ग्रहों से सब कुछ निकालना होता है। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंटली आप इस वीडियो को जरूर देखें, 2, 3, 4, 5 बार जितने बार देखना चाहें। ये वीडियो ऐसा है, इसीलिए मैंने ये लिख रखा है कि अगर आप चाहें तो इसको पढ़ करके, जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ करके आप उसको समझ सकते हैं। एक आध पॉइंट जो मैं छूट जाता हूँ, होता क्या है वीडियो बनाते बनाते कुछ दिमाग में आया, कुछ एकदम से लैप्स कर गया, तो अगर कुछ छूट भी जाए तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं इत्मीनान से, इसीलिए मैंने लिख रखा है। अब यहाँ बारी आ गई, खाना नंबर 2 को भी मैंने बता दिया, 8 का भी बता दिया, और आपको 10 का, 2 का और 4 का बता दिया। अब लाल किताब कहती है अगर खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 2 यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, अब यह ये खाली है, खाना नंबर 2 अगर खाली है तो खाना नंबर 10 किस्मत का मैदान लंबा चौड़ा होगा, उसमें मगर चमक या शान या दुनियावी साजो सामान या आराम शायद ही कभी मुहैया होगा। खाना नंबर 10 में अच्छा ग्रह भी हो और वो किस्मत का मैदान खूब लंबा चौड़ा बनाए हो, पर उससे
अपनी आराम का, अपना साजो सामान जो कहते हैं धन दौलत रुपया सोना चांदी वगैरह, वो शायद ही हो अगर दो खाली हो। 10 लाल किताब में आपने ग्रह दृष्टि में पढ़ा होगा, अगर 10 खाली है तो 2 का ग्रह सोया होगा, 2 खाली है तो 10 का ग्रह सोया होगा। यह ग्रह दृष्टि को ही लाल किताब जो है अपनी भाषा में व्याख्या कर रही हो। ये दोनों का संबंध, जो ग्रह दृष्टियों का संबंध लोग समझ नहीं पाते हैं, क्यों दृष्टि जाती है, क्या मतलब है इसका, तो वो यहाँ लाल किताब बता रही है आपको। अब इसके बाद लाल किताब कहती है, इसी तरह अगर 2 के ग्रह और 10 के, 2 में ग्रह हो और 10 खाली हो। अभी आपने देखा 10 में ग्रह है और 2 खाली है, अब लाल किताब कहती है 2 में ग्रह है और 10 खाली है, तो 10 खाली होने पे क्या होगा, किस्मत में लिखे हुए मालो धन का पार्सल। अब मान लीजिए किस्मत में आपके पैसा लिखा है, लेकिन उसको लेने के लिए कोई भी जाएगा तो वो अपनी पहचान का कागज, मतलब पहचान का कागज मतलब ये होता है कुछ आपको मिलने वाली है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिल रहे, या आपको पैसा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो लोग कॉन्ट्रैक्ट का, आपने कोई डील करी उस डील को साइन ही नहीं हो पा रही है, आपने कुछ बेचना चाहा तो वो, आप डील जो भी डील करने जा रहे हैं वो डील होने से पहले ही उसको ले जाने वाले या पूरा करने वाले बहुत लोग जाएंगे, पर वो डील पूरी करके ला नहीं पाएंगे। ऐसा आपका वर्षफल में भी हो सकता है, ऐसा आपका जन्म कुंडली में भी हो सकता है। तो ये जन्म कुंडली का असर क्या होता है, वर्षफल में जब भी ग्रह घूमता रहता है, तो लाल किताब में मेन तो रखा है वर्षफल को, जन्म कुंडली से भी मेन रखा है वर्षफल को। जन्म कुंडली से लाल किताब कहती है आप मंदा ग्रह ढूंढ लो, अच्छा ग्रह ढूंढ लो, उच्च नीच ढूंढ लो, और अपने लिए किस्मत का ग्रह वगैरह जन्म कुंडली ढूंढो, पर उसको लगाना सबको वर्षफल के अंदर ही आकर के आपको सबका असल वर्षफल में मिलेगा। अब लाल किताब कहती है अगर 10 और 2 दोनों ही खाली हो और 4 में नेक ग्रह बैठा हो, अब यहाँ 10 2 4 की बात आ गई, 4 में यहाँ ग्रह बैठा है बहुत बढ़िया गुरु उच्च का, और 10 भी खाली है, 2 भी खाली है, 4 में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो ये कहती है कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा, मृग तृष्णा मतलब होता है कि जो बेउम्मीदी में उम्मीदी, मतलब मृग तृष्णा ऐसा होता है कि जल होता नहीं है लेकिन आदमी को लगता है कि जल है, रेगिस्तान में आदमी प्यासा होता है, जो वहां की रेत चमकती है तो वो पानी जैसी लगती है लेकिन वो पानी होता नहीं, उसको मिलता मिलाता कुछ नहीं, पर वो जो है बेउम्मीदी, मतलब वहां पे कोई उम्मीद नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बेउम्मीदी में उम्मीदी लगाए बैठा रहता है। इसको पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा मजेदार लगता है सुनने में। लाल किताब कहती है रेगिस्तान की मृग तृष्णा में ऐसा प्राणी बेउम्मीदी में उम्मीदी बांधता हुआ अपनी किस्मत के मैदान में बंधा हुआ पसीने से तरबतर होता चला जाएगा, यानी जिंदगी और माया दौलत तो होगी जरूर मगर अपनी जरूरत के लिए कब पूरे होंगे इस बात का शायद ही कभी जवाब मिलेगा। मतलब क्या है, क्या मतलब है, अगर 2 भी खाली है और 10 भी खाली है और 4 में ग्रह अच्छा बैठा भी है, तो आप समझ लीजिए जिंदगी भर ऐसे लोगों से या ऐसे काम से उम्मीद लगा के बैठे होंगे कमाने की, जो काम आपको कुछ भी ना दे पाएगा, बेउम्मीदी में उम्मीदी। इन सबको अगर आप समझते चलेंगे आपकी जिंदगी का ये साल कैसा है, तो ही आप इसके अनुसार उपाय कर सकते हैं। लाल किताब के उपाय परफेक्ट बैठते हैं, लेकिन लाल किताब की जब तक कुंडली की सही व्याख्या ना की जाए कोई भी उपाय काम नहीं करता है। लाल किताब में ग्रह फल का उपाय नहीं किया जाता, राशि फल का उपाय किया जाता है। लोग ग्रह फल के उपाय को एक ही दो वीडियो तरीके से जानते हैं निकालना, ग्रह फल का ठीक ठीक आपको मतलब निकालने का तरीका पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ ग्रह फल होता है, कहाँ कहाँ राशि फल होता है। तो इस तरह से मैंने लाल किताब में आपको 4 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बताए। अब इन 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन का एक वीडियो में आपको और बना के दिखाऊंगा, जिसमें आपको इसके आगे का बताऊंगा। पहले आपका काम क्या है, आपका काम ये है अगर आप सच में लाल किताब सीखना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार देखें, लेकिन आपको इन घरों के बीच का संबंध आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। 8 का कॉम्बिनेशन 4 के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए, जब तक इन कॉम्बिनेशन को आप नहीं बैठा लेंगे आप रिजल्ट देख नहीं पाएंगे। रिजल्ट इसमें लाल किताब में वैदिक ज्योतिष की तरह ऐसा नहीं होता है कि गुरु उच्च का हो गया तो गुरु हमेशा अच्छा है, या सूर्य उच्च का हो गया तो सूर्य हमेशा अच्छा है, या शनि नीच का है तो शनि हमेशा खराब है। लाल किताब में एक ग्रह अच्छा और बुरा होता है, उसके 3 असर होते हैं, साधारण, मंदा और जो है उमदा, उमदा मंदा और साधारण असर होते हैं। ये असर कब लाल किताब कहती है मिलेंगे आपको, जब वो वर्षफल में आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ 2, अब आपका कोई ग्रह खराब था, यहाँ भी वो अच्छा ग्रह, मतलब यहाँ पे उसका मित्र आ गया, यहाँ भी उसका मित्र आ गया, यहाँ भी उसका मित्र आ गया, अब ये अच्छा हो गया आपके लिए, जन्म कुंडली में तो खराब था पर वर्षफल में ये 3 ग्रह घूम के आ गए तो वो अच्छा हो गया, तो इस साल आपके पास किस्मत का मैदान, रिजक का जो मैदान होता है उसमें आपके पास साजो सामान भी आएगा, धन दौलत इकट्ठा भी होगी,
और आपको आराम भी मिलेगा, आप उससे फायदा भी ले पाएंगे। तो लाल किताब में हमेशा आपको टोटलिटी में ही देखना पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी में एक नक्षत्र को पकड़ना, उस नक्षत्र की व्याख्या कर देना, फिर दो चार छह खाना इस समय एक्टिव है बता देना, ये बड़ा ही छोटा रहता है। आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कौन से घर एक्टिव हैं ये देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर असर आपको किससे मिलेगा? असर इन कॉम्बिनेशन के बगैर आपको असर नहीं समझ में आएगा। असर मंदा है या अच्छा है, अगर खाली आपने देख लिया गुरु यहाँ या सूर्य यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है तो अगले महीने ये असर आएगा, पर आप असर निकालेंगे कैसे कि असर आएगा क्या? आपको क्या लग रहा है, सूर्य यहाँ बैठा है नीच का, तो क्या नीच का असर दे देगा? सूर्य अपने लिए, वर्ष फल में ये कंडीशन होती है, जो भी ग्रह सूर्य अपने लिए जिस खाने में बैठा होगा वो खाना उस सूर्य के लिए निर्धारित है, सूर्य के असर के लिए निर्धारित है। अब सूर्य के अलावा जितने, क्योंकि सूर्य की पावर सबसे ज्यादा है, सूर्य की पावर ग्रह चाल की तरतीब में सूर्य को 9 में से 9 मतलब 100% पावर दी गई है। सूर्य की उम्र 100 साल दी गई है, सूर्य को फुल रखा गया है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक माना जाता है, आत्मा हमारी सूर्य है। तो इसीलिए अगर आपको जब भी लाल किताब पढ़े तो इस वीडियो को, इस जो चैप्टर जो मैं आपने बताया है, मैंने आपको ये वाला, ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा। अगर मेरा कोई पॉइंट छूट जाएगा, मैं भी वीडियो को देखूंगा, अगर कोई पॉइंट छूट जाएगा तो मैं फिर एक वीडियो बताऊंगा, लेकिन आप इसको देखना, इसको समझना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है, तभी आप लाल किताब में अपने जिंदगी में कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कोई भी परिणाम निकाल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहें, आप मेरे अपने क्वेश्चन को लूप करते रहें, मैं जब क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करूंगा तो मैं आपको उसके जवाब भी धीरे धीरे देना चालू करूंगा। अभी तो थोड़ी व्यस्तता है। फिलहाल आपका कोई मशवरा हो या अगर आपको तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जो भी अच्छा कमेंट करते हैं तो मैं उस पर बहुत विशेष ध्यान से देखता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।